और हमने इनके आसार पर ईस ने मरियम को भेजा जो उसकी तस्दीक करने वाला है जो पहले से तौरात में था और हमने उसे इंजील दी जिसमें हिदायत और नूर था और वो तस्दीक करने वाली थी उसकी जो पहले से तौरात में था और मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत और नसीहत थी यानी तौरात और इंजील जो है इनमें भी तकवा वालों के लिए ही हिदायत थी और चाहिए कि इंजील वाले उसके मुताबिक फैसला करें जो अल्लाह ने उसमें नाजिल किया है इन झील में और जो उसके मुताबिक फैसला न करे जो अल्लाह ने नाजिल किया तो यही लोग फासिक हैं तो अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला न करना कुफर जुल्म और फिस्क है अलैहि सल्लासम ने फरमाया जो लोग किताबुल्लाह के मुखालिफ फैसला करते हैं उनमे फकर व फाका फैल जाता है और जिस कौम के इमाम किताब के मुताबिक फैसला न करें वो आपस में लड़ते रहेंगे और हमने आपकी तरफ हक के साथ किताब नाजिल की जो तस्दीक करने वाली है उसकी जो किताबों में इससे पहले है और इस पर निगहबान है बस आप इनके दरमियान फैसला करें उसके साथ जो अल्लाह ने नाजिल किया और इनकी ख्वाहिशात की पैरवी न करें उसे नजरअंदाज करके जो आपके पास हक में से आ गया यानि हक बात को ले लें और इनकी ख्वाहिशात की पैरवी न करें हमने तुम में से हर एक के लिए एक रास्ता और एक तरीका मुकर किया है और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक उम्मत बना देता सब लोग एक ही दीन पर होते जबरदस्ती सबको मुसलमान कर देता लेकिन इसलिए ताकि वो तुम्हें आजमाए जो उसने तुम्हें अता किया यानी आजादी से आजमाइश है बस नेकियों में आगे बढ़ो फ़स्तबिकुल खैरात तुम सब, के सब को अल्लाह की तरफ लौटना है फिर वो तुम्हें बताएगा जिस बारे में तुम इख्तलाफ करते थे और ये कि आप इनके दरमियान फैसला करें उसके मुताबिक जो अल्लाह ने नाजिल किया और इनकी ख्वाहिशात की पैरवी न करें और इस बात से मोहतात रहे मुंह मोड़ जाए तो जान ले की बेशक अल्लाह चाहता है कि इनके बाद गुनाहों की वजह से इन्हें मुसीबत में डाले गुनाहों की वजह से मुसीबत में डाले अं युसी बहुम बिबादी तो इससे क्या पता चलता है कि गुनाह मुसीबत में डालने का बायस बनते हैं और बेशक लोगों में से बहुत से अलबत्ता फासिक हैं अक्सरियत नाफरमान लोग हैं ये अल्लाह का शिकवा है बंदों से इतनी नियमत अल्लाह ने बंदों को दी है लेकिन बंदे अल्लाह की फर्मा बरदारी पर राजी नहीं होते अफाहियत क्या फिर वो जाहिलियत का फैसला चाहते हैं और कौन ज्यादा अच्छा है अल्लाह से बढ़कर फैसला करने में उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हों तो जाहलीत के तरीके अल्लाह के नजदीक इंतहाई नापसंदीदा काम है यानी जो कल्चर और जो रस्म रवाज और जो तौर तरीके दौरे जाहलीत में राइज थे उनको दीन बना लेना और उनसे अट्रैक्ट होना और उन रस्मों की पैरवी करना ये अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा काम है ए लोगो जो ईमान लाए हो यहूदो नसारा को औलिया मत बनाओ उनमें से बाज बाज के औलिया हैं और जो कोई तुम में से उनको औलिया बनाएगा तो यकीनन वो उन्हीं में से है बेशक अल्लाहालिम कौम को हिदायत नहीं देता आम मामलात में तो रखने की वो नहीं है कि उनकी औरतों से शादी की भी इजाजत है इसका मतलब है लेन देन मामला होंगे लेकिन ऐसे दिली दोस्त के जिसमे इंसान राज देना शुरू कर देता है जिसकी वजह से खुद मुसलमानों को नुकसान पहुंच सकता है तो उससे मना किया गया है फिर आप देखेंगे उन लोगों को जिनके दिलों में बीमारी है वो उनमें दौड़ धूप करते हैं यानी मदीना में जो मुनाफिकीन थे वो मुसलमानों से ज्यादा अहले किताब के करीब थे वो कहते हैं हम डरते हैं कि हमें कोई गर्दिश ना पहुंचे इसलिए हम इनसे बना के रखते हैं तो इसलिए दोस्ती की हुई है तो उम्मीद है कि अल्लाह जल्द ही फतह ले आए या अपनी तरफ से कोई हुक्म तो वो उस पर जो उन्होंने अपने दिलों में छुपाया नादिम हो जाए और वो लोग जो ईमान लाए कहते हैं क्या यही है वो लोग जिन्होंने अल्लाह के नाम की अपनी पक्की कस्में खाई कि बेशक वो जरूर तुम्हारे साथ हैं इनके अमाल जाया हो गए तो वो खसारा पाने वाले हो गए मैर तदम ही लोगो जो ईमान लाए हो तुम में से जो कोई अपने दीन से फिर जाएगा यानी मोहम्मद सलम का साथ छोड़ जाएगा तो अन करीब अल्लाह इनकी जगह ऐसे लोग ले आएगा जिनसे वो मोहब्बत करेगा जो उससे मोहब्बत करेंगे यानी अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे वो मोमिनों पर बहुत नरम होंगे काफिरों पर सख्त और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से नहीं डरेंगे ये अल्लाह का फजल है वो जिसे चाहता है अता करता है और अल्लाह वसत वाला खूब इल्म वाला है तो याद रखिये की जो लोग अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस न हो खालस न हो तो हाँ वो कितनी कसरत में हो तादाद में हो भीड़ हो लेकिन वो दीन को फायदा देने की बजाय बाजोकत उल्टा नुकसान देते हैं तो अल्लाह को ऐसे लोग चाहिए कि जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं जो अहले ईमान की खैर खां हो जो धोखाबाज ना हो तो अगर कोई समझता है कि अगर मैं नहीं इस टीम में या सफ में शामिल हुआ तो ये आगे नहीं बढ़ सकते तो उसकी खाम ख्याली है बाजुकत एक, एक ऐसा शख्स जो सिंसियर नहीं होता वो निकलता है अल्लाह तो तला उसके बदले में उससे भी ज्यादा बेहतर इंसान ले आता है अल्लाह का वादा है शर्त यह है कि आप जो काम कर रहे हैं वो पूरी सिंसियरिटी के साथ करें और अल्लाह की मोहब्बत की अलामत क्या होती है रसूल अल्लाह सलम ने फरमाया बेशक अल्लाह उसे भी माल देता है जिससे वो मोहब्बत करता है और उसे भी देता है जिससे मोहब्बत नहीं करता लेकिन ईमान सिर्फ उसको देता है जिससे वो मोहब्बत करता है बस जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है उसे ईमान अता कर देता है तो इसलिए दुनिया का माल क्राइटेरिया नहीं है अल्लाह की मोहब्बत का कि किसी को पहले से ज्यादा मिल गया तो अल्लाह ताला उससे बड़ा राजी है हो सकता है राजी हो, हो सकता ना भी हो लेकिन जो नेकियों में आगे बढ़ गया जिसको नेकियों में आगे जाने की तौफीक मिल गई वो दरअसल अल्लाह का महबूब है अल्लाह की मोहब्बत की अलामत क्या है कि इंसान को खैर और भलाई के कामों का शौक लग जाए और उसमें दौड़ पड़े इन वलियम व रसूलु आमनू तुम्हारे दोस्त तो सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल और वो लोग हैं जो ईमान लाए जो नमाज कायम करते हैं जो जक़ात अदा करते हैं और वो रुकू करने वाले हैं। ईमान वाले कौन होते हैं जिनके अंदर ये तीन सिफात होती है और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों से दोस्ती करेगा तो बेशक अल्लाह का ग्रोह गालिब आने वाला है लोगों जो ईमान लाए हो तुम उन लोगों को, बनाओ, तुम्हारे दीन को मजाक और खेल बना लिया ऐसे लोगों से भी दिली दोस्ती मत करो जो दीन का मजाक उड़ाते हैं हाँ किताब दी गई और कुफार को भी और अल्लाह से डरते रहो अगर तुम सच्चे मोमिन हो वही कबीम और जब तुम नमाज की तरफ पुकारते हो यानी आजान देते हो तो वो उसे मजाक और खेल बना लेते हैं ये इस वजह से है कि वह ऐसे लोग हैं जो अकल नहीं रखते तो इससे क्या पता चलता है दीन का दीन के शायर का मजाक उड़ाना नासमझी की अलामत है आजान को खामोशी से सुनना चाहिए रसूल सल्लाह ने फरमाया जब तुम आजान सुनो तो वही कलेमात का हो जो मोजन कहता है यानी उसको जवाब दो और फिर आजान के बाद की दुआ पढ़नी चाहिए सबको आती है ये दुआ अल्हम्दुलिल्लाह जिनको नहीं आती वो अपने पास लिखा हुआ कार्ड रखे और उससे पढ़ते रहे क्योंकि ये वक्त बड़ा कीमती वक्त होता है जिसको बहुत सारे लोग नासमझी में गंवा देते हैं इब्ने इब्ने अम्र लास कहते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करते हुए सुना जब तुम मुअज्जिन को सुनो तो उसी तरह कहो जैसे वो कहता है फिर मुझ पर दरूद पढ़ो तहकीक जिसने मुझ पर एक बार दरूद पढ़ा अल्लाह उस पर दस रहमतें नाजिल करता है फिर मेरे लिए अल्लाह व जल्ला से वसीला तलब करो वह आति मोहम्मद वसीला तउलफी बिला शुबा यह वसीला जन्नत में एक मंजिल का नाम है जो अल्लाह के किसी बंदे को मिलेगी और मुझे उम्मीद है कि वो मै ही हूँ सो जिसने मेरे लिए अल्लाह से वसीला तलब किया उसके लिए शफात हलाल हो गई यानी उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफारिश नसीब होगी एक और रिवायत के मुताबिक इस वक्त की हुई दुआ रद्द नहीं की जाती यानी आजान का जवाब देके के ऋषि पढ़ के दुआ पढ़ के जब हम अपनी कोई जाती दुआ करते हैं तो वो दुआ कबूल होती है ये कबूलियत की घड़ियां होती हैं और वैसे भी आजान और तकबीर यानीत के बीच का जो वक्त होता, होता है बड़ा कीमती होता है उसमें दुआएं करनी चाहिए और नमाज तो सारी की सारी दुआ है अल्लाह अकबर कह के आप दुआ शुरू करते हैं सूरत पातया दुआए फिर रुकू में जाके दुआएं पढ़ते हैं फिर खड़े होके फिर सजदे में फिर अत्या आखिर तक सारी दुआ तो नमाज दरअसल प्रेयर ही प्रेयर है तो इसलिए अगर उस वक्त सुन्नत भी आप पढ़ते हैं तो गोया दुआएं मांग रहे होते हैं तो दुआ की कबूलियत का वक्त ना गवाएं इधर उधर के कामों में और वैसे भी जो इंसान के मसले मसाइल हों वो अल्लाह ता से अपनी जबान में बात करके दुआ की जाए कह दीजिए अहले किताब क्या तुम इस वजह से हम पर नाराज होते हो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो हमारी तरफ नाजिल किया गया और जो इससे पहले नाजिल किया गया और यकीनन तुम्हारे अक्सर लोग फासिक हैं किताब को मुसलमानों से नाराजगी किया दीजिए क्या मैं तुम्हे अल्लाह के नजदीक सजा के अतबार से इससे बदतर इंसान के बारे में न बताऊ जिस पर अल्लाह ने लानत की और उस पर गजब नाक हुआ और उनमे से बंदर और खनजीर बना दिए और जिसने तागुत की बंदगी की हो और यही लोग दर्जे में बदतरीन और सीधे रास्ते से ज्यादा भटके हुए है यानी दुनिया में भी अल्लाह तला ने नमूने दिखाए सजा के जब लोगों ने अल्लाह के हुक्म की सरी नाफरमानी की जैसे सप्त के दिन ज्यादा की तो अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया और इसी तरह दीगर मौके पर भी और जब वो तुम्हारे पास आते हैं कहते हैं हम ईमान लाए हालांकि हकीकत यह है कि वो कुफर के साथ दाखिल हुए और इस कुफर के साथ ही निकल गए इसे अब था एक और अल्लाह उसे ज्यादा जानता है जिसे वो छुपाते हैं जो कुफर अपने दिल में छुपाए हुए हैं आप इनकी अक्सरियत को देखेंगे कि वो गुनाह और ज्यादा के कामों में और अपने हराम खाने में खूब दौड़ धूप करते हैं यकीनन कितना बुरा है जो अमल वो करते हैं रब्बानी और उलमा उन्हें उनके गुनाह की बातें करने और हराम खाने से क्यों नहीं रोकते यकीनन कितना बुरा है जो वो किया करते हैं तो याद रखिए, बुराई से मना ना करने वाला वैसा ही हो जाता है जैसे बुराई करने वाला नेकी की तरफ बुलाने वाला आने वाले के सवाब को भी ले, ले लेता है उसको भी मिलता है और इसको भी मिलता है और इसी तरह जो बुराई से रोकता नहीं तो वो भी उस गुनाह में शरीक हो जाता है बकालत यहूद यहूद यदुल्लाहि बल यदाहु और कहते हैं कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है नऊजु बिल्लाह कि अल्लाह बखील है बांध दिए गए हाथ इनके और वो लानत किए गए इस कौल की वजह से यानी अल्लाह के बारे में बुरी बात करना कोई मजाक है जो ऐसा करेगा उस पर क्या है लानत है वो अल्लाह की रहमत से दूर है क्योंकि उसने अल्लाह को नाराज कर दिया बल्कि उसके दोनों हाथ खुले हुए वो जिस तरह चाहता है खर्च करता है खर्च करता है जितना चाहता है, जिसको अता करता है और यकीन जो कुछ आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया है वो उनकी अक्सरियत को सरकशी और कुफुर में जरूर बढ़ा देगा और हमने उनके दरमियान क्यामत के दिन तक के लिए अदावत और बुग्ज डाल दिया जब कभी उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जंग के लिए आग भड़काई अल्लाह ने उसे बुझा दिया और वो जमीन में फसाद की कोशिश करते हैं और अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता हदीस में आता है कि अल्लाह से बढ़कर कोई सबर करने वाला नहीं जो तकलीफ दे बात सुनकर सबर करे हमने किसी को कुछ दिया नहीं होता सिर्फ सलाम दुआई होती अगर वो हमें घूर के भी देखे या कोई ऐसा जैसे में तो हम उससे लड़ पड़ते हमसे सबर नहीं होता अल्लाह रबुल्जत जिसने तमाम इंसानों को वो सब कुछ दिया जो उनके पास है वमां भी कुमिन फमिन इसके बावजूद वो अल्लाह के बारे में नउूज बिल्ला गलत बातें करते हैं तो अल्लाह सुबहान फिर भी सबर करते हैं उनको फौरी सजा नहीं देते कि इधर किसी ने मजाक उड़ाया दीन का या अल्लाह सुबहाना का, का तो अल्लाह उसकी जबान में ही पकड़ ले नहीं ऐसा नहीं होता रसूल अल्लाह सल्लम ने फरमाया तकलीफ दे बात सुनकर अल्लाह से ज्यादा सबर करने वाला कोई नहीं लोग उसका बेटा होने का दावा करते है और उसका हमसर बना देते हैं फिर भी वो उन्हें आफियत देता है उनकी हिफाजत करता है उनको रिस्क देता है और उन्हें कई ना करता है अल्लाह अकबर अल्ला का हौसला और अगर नाफरमानियों की बजाय करते वाला अहलल किताब आमन व तफर ना अनह सै आत वाला अदल ना हम जन्ना तन्नाईम और अगर बेशक अहले किताब ईमान लाते और तकवा अख्तियार करते तो हम जरूर उनसे उनकी बुराइयां दूर कर देते और हम जरूर उन्हें नेमतों वाले बागात में दाखिल करते दुनिया में भी नेमतें अदा करते दुनिया में सबसे बड़ी नेमत वाला बाग इंसान का अपना दिल है जिसमें करार हो इत्मीनान हो सुकून हो और ये करार आ नहीं सकता जब तक इंसान सौ फीसद अल्लाह की इबादत या इतात में अपने आप को ना लगाए अल्लाह की तरफ जब तक रुख ना करे अल्लाह से ना मांगे तो ये कितना बड़ा वादा है कि अगर अहले किताब ईमान लाते और तकवा करते अल्लाह से डरते तो जरूर उनसे उनकी बुराइयां, उनकी तकलीफें दूर कर देते तो ये मसाइल के हल का नुस्खा है तकलीफों को दूर करने का जरिया है ईमान बढ़ाना और इख्तियार करना और अगर वो तौरात कायम करते और इंजील कायम करते और जो कुछ उनके रब की तरफ से उनकी तरफ नाजिल किया गया है तो यकीनन वो अपने ऊपर से खाते और अपने पाओ के नीचे से भी आसमान भी धन बरसाता रिस्क बरसाता और जमीन भी उगलती उनमें से एक ग्रोह में आना रोह है और इनमें से ज्यादातर लोग बुरा है वो जो अमल करते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि अगर इंसान अल्लाह की किताब के मुताबिक जिंदगी बसर करता है तो दुनिया की नियमतें भी हासिल होती हैं। तो कायम करने का मतलब क्या है इल्म और अमल के साथ मामला करना इबन अब्बास कहते हैं कि ऊपर से बारिश और नीचे से नबातात एक कॉल ये भी है कि हम उनका रिस्क इतना वसी कर देते कि वो मुसलसल खाते रहते उनको कमी ना आती और ये अल्लाह का वादा है मखरजा वर जुख मिनहई सुहत जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए और मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देगा और उसे वहां से रिस्क देगा जहां से वो सोच भी नहीं सकता तो इल्म की वजह से भी रिस्क मिलता है अनस बिन मालिक रजी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दो भाई थे जिनमें से एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता था और दूसरा भाई कमाता था चुनाचे कमाने वाले भाई ने अपने भाई के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि ये कुछ काम नहीं करता ये आप ही के पास बैठा रहता है आपने फरमाया शायद कि तुम इसकी वजह से ही रिस्क दिए जाते हो तुम्हें जो अल्लाह ने वुस्सत दी हुई है वो इसके इस काम में लगने की वजह से दी है और कुरान तो वैसे ही बाबरकत किताब है किताब उन मुबारक उन करते थे हम कुरान पढ़ने में मशगूल हुए तो हमें दुनिया में बरकत और भलाइयों ने ढांप लिया क्योंकि ये भलाइया सिर्फ आखरत के लिए नहीं दुनिया के लिए भी हैं। फिर फरमायासूलई कमिर ए रसूल पहुंचा दीजिए जो आपकी तरफ आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया है और अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने इसका पैगाम नहीं पहुंचाया और अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा बेशक अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं दिया करता याद रखिए, जो कुछ रसूल की तरफ आया है मा मिर वो वही की रोशनी में आया वो वही है वो अपनी तरफ से बातें नहीं करते थे और अपने दिल की ख्वाहिशात मबनी तालीमत नहीं देते थे तो इसीलिए हदीस पर ईमान लाना जो सही अहादीस है वो भी जरूरी है हसान बिन अतिया कहते हैं कि जबरीलम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुन्नत लेकर उतरते थे यानी कुरान के अलावा सुन्नत भी उतरती थी जिस तरह आपको कुरान सिखाते इसी तरह सुन्नत की तालीम भी देते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जान लो अन करीब एक वक्त आने वाला है कि किसी शख्स को मेरी कोई हदीस पहुंचेगी और वो तकिया लगाए हुए अपनी मसनद में बैठा होगा रिलैक्स होके काउच में बैठा होगा और कहेगा हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब ही काफी है बस जो कुछ इसमें हलाल पाएंगे उसे हलाल समझेंगे और जो इसमें हराम पाएंगे उसे हराम समझेंगे यानी सिर्फ कुरान काफी है जबकि हकीकत यह है कि जिसे अल्लाह के रसूल ने हराम किया वो भी उसी तरह हराम है जिसे अल्लाह ने हराम किया तो इसलिए ऐसा ना हो कि इंसान हराम में पड़ जाए लाइल की वजह से कह दीजिए अहले किताब तुम किसी चीज पर नहीं हो जब तक कि तुम, तुम तौरात और इंजील के एहकाम को कायम न करो और उसे भी जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है और यकीन जो कुछ आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया वो उनमें से अक्सर लोगों को सरकशी और कुफर में जरूर बढ़ा देगा बस आप काफिर कौम पर अफसोस मत कीजिए बेशक वो लोग जो ईमान लाए और वो लोग जो यहूदी बन गए और जो साबी है और जो नसारा है जो कोई भी अल्लाह और योम आखरत पर ईमान लाया और उसने नेक अमल किए तो उन पर कोई खौफ ना होगा और ना ही वो गमगीन होंगे ईमान और अमल साले का नतीजा क्या है खौफ और रंज से निजात गम और खौफ दो चीजें इंसान को घुन की तरह चाट जाती है तो इन दो चीजों से निजात हासिल हो जाती है अगर इंसान ईमान लाए और अमल साले करे फिर फरमाया यकीनन हमने बनु इसराइल से पुख्ता अहद लिया और हमने उनकी तरफ कई रसूल भेजे जब कभी उनके पास कोई रसूल ऐसी चीज लेकर आया जिसे उनके नफ्स पसंद नहीं करते थे तो एक ग्रोह को उन्होंने जुटला दिया और एक ग्रोह को वो कत्ल करते रहे यानी अल्लाह की तरफ से आने वाले रसूलों के साथ भी इतनी बड़ी बड़ी जातियां की और उन्होंने समझा कि कोई फितना वाकई ना होगा यानी कुछ नहीं होता बहुत दफा इंसान बड़े से बड़ा गुनाह करके कहता है कुछ नहीं होता सब चलता है तो वो अंधे और बहरे हो गए फिर अल्लाह उन पर मेहरबान हुआ फिर दोबारा उनमें से अक्सर हक से अंधे और बहरे हो गए अल्लाह उसको खूब देखने वाला है जो वो अमल करते हैं यानी माफी मांग ली थोड़ा सा सीधे रस्ते पे फिर दोबारा उसी जगह पे चल पड़े लकदर मसीहन मरियम वकाल मसीह इसराब् रबी व रब बिला शुबा यकीन उन लोगों ने कुफिर किया जिन्होंने कहा की बेशक अल्लाह मसीह अबन मरियम है और मसीह ने कहा ऐ बनू इसराइल अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है यानी उन्होंने अपने आप को इलाह नहीं कहा बल्कि खुद इबादत की और लोगों को भी अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया बेशक जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराएगा तो यकीनन अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना आग है और जालिमों के लिए कोई मददगार न होगा तो इसलिए मसीह ने मरियम को अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मानना चाहिए लकद इन्नल्लाहा सालिसु सलासा बिलाशुबा यकीन उन लोगों ने कुफर किया जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह तीन का तीसरा है हालांकि नहीं कोई इलाह है बरहक मगर एक ही इलाह अगर वो इससे बाज ना आए जो वो कहते हैं तो इनमें से जिन लोगों ने कुफर किया जरूर उन्हें दर्दनाक अजाब पहुंचेगा यहाँ पर सख्त तरदीद की गई है इन गलत अकायद की अफलाफूर रहीम क्या फिर वो अल्लाह की हजूर तोबा नहीं करते और उससे बख्शिश नहीं मांगते और अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है याद रखिए इस्तफार कबूल होती है गलतियों पर नदामत के साथ। कि मैंने जो गलत किया मैं शर्मिंदा हूँ तू मेरी सलाह कर दे और आइंदा के लिए अपने रस्ते पर चलता रख रसूल अल्लाह सलम ने हजरत आयशा से फर्माया आयशा अगर तुम गुनाह के करीब हुई हो तो अल्लाह से इस्तफार करो क्यूँकी नदामत और इस्तफार ही गुनाह से तोबा है रसूल वसल्लम ने फरमाया जिसने बकिया जिंदगी में अच्छाइयां की उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और जो बकिया जिंदगी में भी बुराइयां करता रहा उससे गुजश्ता और आइंदा दोनों जिंदगी में होने वाले गुनाहों की बासपुरस की जाएगी तो इसलिए गलती कितनी भी बड़ी हो कोई शिर हो कुफर हो निफाक हो तोबा का दरवाजा खुला है जब तक सांस हलक में ना अटक जाए इसलिए तोबा करते रहना चाहिए मल मसीह मरियम अल्लाह रसूल नहीं है मसीह ने मरियम मगर एक रसूल दर हकीकत उससे कबल कई रसूल गुजर चुके और उसकी माँ बहुत सच्ची खातून थी वो दोनों खाना खाया करते थे देखिए हम किस तरह उनके लिए आयात वाजे करते हैं फिर देखिए है वो कहाँ से फेरे जाते हैं यानी अल्लाह सुबहान तलाइल दे के बाद समझा दी है लेकिन फिर भी उनकी अकल में नहीं आती यहाँ पर एक औरत की खास खूबी का जिक्र किया गया और वो कौन सी है सिद्दीका बहुत ज्यादा सच बोलने वाली सच्चाई की तलाश में रहने वाली सच्चाई से मोहब्बत करने वाली एक कौल यह भी है कि उन्हें सिद्दीका इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अल्लाह की आयत की तस्दीक करती थी क्योंकि, क्योंकि कुरने मजीद में अल्लाह ताला ने उनका वस बयान किया वो सदकत बिकल मबिहा उसने अपने रब की बातों की तस्दीक की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्दों में बहुत से कामिल हुए हैं औरतों में कोई कमाल को ना पहुंची सिवाय मरियम बिनते इमरान के और फिर की बीवी आसिया के यानी ये ऐसी है जिन्हें दीन की समझ आ गई थी मैं तो सोचती हूँ दुआ है रबी ली इंदा का बी तनपिल जन्ना ये उन्हें कैसे सूझी वो दुनिया में फिर के महल में रहती थी लेकिन उसने ईमान की खातिर उसकी भी परवाह नहीं की और यही चीज अल्लाह ताला को उसकी पसंद आ गई और उसको हिदायत दी और हमें भी अल्लाह से अच्छी अच्छी दुआएं करनी चाहिए और खैर और भलाई के रस्तों की दुआ करनी चाहिए इसीलिए सबसे नफा दीजिए, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उसकी इबादत करते हो जो तुम्हारे लिए किसी नफा और नुकसान का मालिक नहीं और वो अल्लाह ही है जो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है लिहाजा उसको पुकारो कह दीजिए अहले किताब अपने दीन में नाहक गुलूब न ना करो और न तुम ऐसे लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी करो जो यकीनन इससे पहले गुमराह हुए और उन्होंने कसीर तादाद को गुमराह किया और सीधे रास्ते से वो भटक गए इसराइल में से जिन लोगों ने कुफिर किया वो दाऊद और ईसा मरियम की जबान पर लानत किए गए उनके पैगम्बरों ने उन पर लानत भेजी क्यों ये इस वजह से कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से बढ़ जाते थे एक्सट्रीमिस्ट थे वो एक दूसरे को उस बुराई से नहीं रोकते थे जिसका वो इर्तिकाब करते यकीनन कितना बुरा है जो वो करते थे तो आप देखिए कि लानत के असबाब क्या हैं लानत के असबाब में पैगमरों की ना हाथ से बढ़ना और बुराई से ना रोकना यहाँ बुराई से ना रोकने वाला अहले किताब के मुशाबे करार पाया है बाज लोग कहते हैं हम खुद बुरे काम करते हैं हम कैसे मना करें तो कुछ लोगों का तजुर्बा यह है कि जब उन्होंने मुताद बार वो चीज की कोई पढ़ने वाली किताब थी पढ़ी या कोई इक्विटमेंट डिभाई तो फिर उसके बाद क्या हुआ इस्तेमत मिली तो जिस तरह नेकी का देना है इस तरह मुनकर से भी रोकना चाहिए और मुनकर से रोकने की फजीलत क्या है अब्दरहमान बिन हजरमी बयान करते हैं कि मुझे उसने खबर दी जिसने नबी फ़रमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी आएंगे जिन्हें पहलों की तरह सवाब मिलेगा अब की तरह उनकी इम्तियाजी सिफत ये होगी कि वो बुराई का इनकार करेंगे अब देखिये माशरे में तरह तरह की बुराईया फैली हुई है कुछ तो हमारी पहुंच में है कि हमारे अपने ही होते हैं करीबी जो गलत काम कर रहे होते हैं तो उनको प्यार से रोकना चाहिए उनके साथ बातचीत करनी चाहिए बाजूकत हस्बैंड किसी गलत काम में मुब्तला हो जाते हैं कोई हराम कमाने लगते हैं या कोई रिश्वत लेने लगते हैं या और इस तरह का कोई गलत काम करने लगते कभी आपके नोटिस में आता कभी नहीं आता तो उनके साथ भी प्यार से मोहब्बत से कुछ ना कुछ उनको आखरत की फिक्र दिला के अल्लाह की मोहब्बत की बात करके हलाल के जो नस्लों पर अच्छे असरात हैं उसकी बात करके उनको गलत चीजों से रोकना चाहिए ताकि कम अज कम आप बरी जिम्मा हो दूसरे ये कि कुछ रिश्तेदार होते हैं तो बाज शादी ब्याह के मौके पर ऐसी रस्में करते हैं इतना इसराफ करते हैं। इतनी फजूल खर्ची करते हैं या ऐसा लिबास पहनते हैं कि अल्लाह को नाराज करने वाला है सरासर अल्लाह ने औरत की जो खूबसूरती बनाई है वो उसके छुपाने में है उसके लिबास को जीनत बनाया है ना कि लिबास को उतार देना या ऐसे लिबास पहनना के जो पहन के भी नंगे हों कितनी सख्त है वो हदीस कि वो औरतें जन्नत की खुशबू ना पा सकेंगी जो कपड़े पहन के भी नंगी रहे चाहे टाइट हो चाहे थ्रू हो लेकिन पता है बुराई है खुद करते हुए भी बुरा नहीं लगता और दूसरों को भी नहीं रोकते अपने बच्चों को भी रोकने की जरूरत है ये नहीं कि पीछे ही पड़ जाए लेकिन उस बुराई से नफरत का एक इजहार जरूरी है कि मैं इससे राजी नहीं हो सकता किसी दिन अल्लाह उनको भी तोफीक दे कि वो उससे बच जाएं। आप उनकी अक्सरियत को देखते हैं कि वो उन लोगों को औलिया दिली दोस्त बनाते हैं जिन्होंने कुफर किया यकीन कितना बुरा है जो उन्होंने अपनी जानों के लिए आगे भेजा कि अल्लाह उनपे नाराज हुआ और वो अजाब में हमेशा रहने वाले हैं। अगर वो अल्लाह पर और नबी पर और उस पर ईमान लाते जो उसकी तरफ नाजिल किया गया तो वो उन्हें औलिया न बनाते मगर उनमे से अक्सर ना फरमान है लताजी दन्ना शना सियावी न यकीनन आप जरूर लोगों में से ईमान वालों की दुश्मनी में सबसे ज्यादा सख्त यहूद को पाएंगे और उन लोगों को जिन्होंने शिर किया और आप जरूर उनमें ईमान वालों के लिए मोहब्बत में सबसे ज्यादा करीब उन लोगों को पाएंगे जिन्होंने कहा कि बेशक हम नसारा है। ये हैं ये इसलिए कि इनमें उलमा है और राहिब हैं और क्योंकि वो तकबर नहीं करते तो जो तकबर नहीं करता वो किसी के साथ भी बना के रख सकता है